आप सभी के सामने में फिर एक नई कविता नए उमंग के साथ हाजिर होती है। तो मेरी कविता कुछ आज इस तरह से है कि दुनिया में हमें जब बहुत सारे ऐसे देखने में मिलते हैं कि बहुत लड़का और बहुत लड़की हमको देखने में मिलते हैं जो कि नए रिश्ते जुड़ने पर पुराने रिश्तों को हम छोड़ देते हैं, और नए रिश्ते कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि जैसे पुराने को तोड़ना होता है उनको, इसीलिए उन्होंने नए रिश्ते जोड़कर पुराने को छोड़ देते हैं। तो कुछ कविता मेरी उस विषय को लेकर है, पर जैसे दुनिया में हमको रोटी कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी होता है, तो उस चीज़ को आधार लेकर मैंने इससे रिलेट किया है। आप सभी को कविता अच्छी लगेगी, ध्यान दीजिए ज़रा। कपड़ा रोटी और मकान जीवन का तीन अमूल्य अंग है, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ों के दुख की बात सुनो, कपड़ों के दुख की बात सुनो, उस पर हो रहे अत्याचार सुनो। नए नए कपड़े सबको भाते हैं, पुराने पर किसी का दिल ना आते हैं। पुराने कपड़ों को ऐसे भूले हो जैसे उनसे पुरानी दुश्मनी हो। कपड़े तुम्हें सदैव सुख देते हैं, कपड़े तुम्हें सदैव सुख देते हैं, तुम्हारे कारण दुख को अर्पण कर देते हैं। जितना भी तुम उनको धोते चमककर निखर कर पास वो आते, जितना भी तुम उनको धोते चमककर निखर कर साथ वो देते। प्रेस जो करते तुम एक बार, प्रेस जो करते तुम एक बार, हो जाते सारे सिलवटे बाहर। प्रेस जो करते तुम एक बार, हो जाते सारे सिलवटे बाहर। प्रेम करते तुमको इतना, प्रेम करते तुमको इतना, पहनने पर तुम राजा लगो जितना। सूरज आगे रख उसे जो भूल जाते हैं, सूख कर कड़क भी वह भी हो जाते हैं। सूरज आगे रख उसे जो भूल जाते हैं, सूख कर कड़क वही हो जाते हैं। फिर भी ना करती कोई कंप्लेन उसका औदा हो हमेशा रिमेन। फिर भी ना करती कोई कंप्लेन उसका औदा हो हमेशा रिमेन। छोड़ पुरानी कपड़े सोच जो तुम उससे दूर जाओगे। छोड़ पुरानी कपड़े सोच जो तुम उससे दूर जाओगे, याद वही दिलाएगा जब लॉकडाउन हो जाओगे। बहुतों ने अपने पुराने कपड़े ही निकाले जिसे भूल चले थे वह कबड़ में डाले। यह थी कपड़ों की बात, अब जरा सुनो रोटियों पे फरमा। घर रोटी छोड़ जिसे बाहर था जाना, आज न चाह कर भी उसे रोटी है खाना। सूखी रोटी को देख जो नखरे दिखाता था, बाहर जाकर बड़ा बर्गर पिज़्ज़ा वो खाता था। बंद हुई बाहर खाने की उम्मीद, अब क्या करेगा भाई, घर की याद है आई। न ठुकरा कभी घर का खाना, पड़ेगा बरना धोबी का कुत्ता हो जाना। मत ठुकरा कभी घर का खाना, बनना पड़ेगा कभी धोबी का कुत्ता हो जाना। अब जरा देखे मकान की बात, जो है आज हमारा पूरा संसार। मकान जैसा भी अपना होता है, दुख तकलीफों में साथ वही देता है। मकान से घर, एक घर से परिवार होता है। दुनिया को भूल लॉकडाउन में भी वह बहुत सुनहरा लगता है। घर छोड़ जो मकान ढूंढते थे, पछताते होंगे वह लोग, घर को मकान जो सोचते थे, घर में रहना, घर ना छोड़ना, अपनों का साथ कभी ना तोड़ना। लॉकडाउन हमें आज ऐसा पाठ सिखलाता है, मुश्किल में साथ निभाने का एक नया अध्याय दिखलाता है। रोटी कपड़ा मकान का एक नया सवेरा आया है। घर की रोटी पुराने कपड़ों
और घर में रहने का महत्व हमें दिखलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को यही समझाना चाहती हूँ कि पुराने कपड़े, घर की रोटी और हमारा घर, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने पुराने कपड़ों को बाहर से निकालना चाहिए, जो कि हम भूल गए हैं, कबर्ड में डाल दिए हैं। जल्दी जाइए, अपने पुराने कपड़े निकालिए, घर की रोटी खाइए, कोई नखरा मत करिए, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ही मेहनत से रोटी बनाते हैं मम्मी और हमको खिलाते हैं, तो उसमें नखरा मत करिए। पुराने रिश्ते भी जोड़िए जो भूल चुके हैं। लॉकडाउन का समय है, यही समय है जो कि हम